हाय गाइस, सी मैट दिस ईयर इज ऑन मार्च 9th। मार्च 9th को यार दैट वाज एक झटका लगा ही लगा, एक बार झटका लगा और साला ये कैसे हो गया, 9 मार्च को कैसे आ गया। दो दो, दो दिन गाली देने को मन मन किया होगा, पर ये देखो द मोमेंट यू सी 9 मार्च फट के हाथ में आई कि भैया अभी टाइम कम रह गया, मुझे पढ़ना है। और यही चीज होने वाला है मार्च 9 को, जब आप मॉक दोगे, जब बम्बू लगेगा, या अगर बिना पढ़े मॉक दिया, ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो लगेगा यार मैंने पूरा वेस्ट कर दिया। तो ये टाइम ना वेस्ट हो पाए, सो अगले 25 दिन लेट्स वर्क हार्ड सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अवर स्कोर इन दिस मॉक। इट्स अ फ्री मॉक फॉर एवरी वन टू पार्टिसिपेट, एंड आई एम ऑल्सो ट्रेवलिंग टू ऑल दिस लोकेशन इन केस यू आर बेस्ड इन एनी ऑफ दिस प्लेसेज, सो प्लीज डू अटेंड द वर्कशॉप लाइव। आई एम ट्रेवलिंग टू थाने, दादरवासी, नागपुर आई एम ऑन 20th, औरंगाबाद ऑन 24th, नासिक 24th, पुणे 18th। तो प्लीज जहां भी आप बेस्ड हो प्लीज डू कम एंड मीट मी फॉर प्रिपरेशन फॉर योर कैट, सीमेट, एनी ऑफ द एग्जाम्स। हेलो गाइस, सीमेट इज हैपनिंग ऑन 9th मार्च। नहीं, एग्जाम को तो अप्रैल 9th को ही होगा, मोस्ट प्रोबली अप्रैल 8th या अप्रैल 9th को, बट वी आर कंडक्टिंग अ ऑल इंडिया लाइव मॉक ऑन 9th मार्च। सो एग्जाम के एक महीना पहले तक जितनी प्रिपरेशन आपने करनी है करके लेट्स डू दिस फ्री मॉक। ऑल यू टू डू फॉर दैट इज यू हैव टू सेंड अ SMS कॉल और व्हाट्सएप योर फ्री मॉक, योर नेम, नंबर एंड ई मेल आई डी टू एनी ऑफ दिस नंबर्स गिवन हियर। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज बेसिकली ट्राइंग टू डिवाइड द प्रिपरेशन टू फेज, अभी से लेकर मार्च 8 तक फेज 1, एंड देन मार्च 8 से लेकर एग्जाम तक अप्रैल 9 तक, 8 तक जब भी एग्जाम होगा अप्रैल 15 तब तक फेज 2। सो फेज 1 लेट्स ट्राई टू कम्प्लीट द फुल सिलेबस। आई एम गोइंग टू अपलोड द कम्प्लीट सिलेबस एज वेल विच वी कैन कम्प्लीट इन 30 डेज एंड सिट फॉर दिस mock. This is a free mock for everyone to participate. So this is All India mock where we get the ranking, you'll get the percentile, and I have a free beads to give as well, t-shirts and mugs to give as well to the top 5 toppers. Okay. So iske liye aapko just naam email ID karna hai. This will be a very good benchmark to prepare yourself for the CMAT exam. ठीक है, ये पेपर क्या होगा क्या होगा वो मेरी पूरी डिटेल आपको डालेगा, आप यहाँ पे कर दो, ये भेज दो। तो बाय सो दे विल बी सेंडिंग इन फ्यू डेज, दे विल बी सेंडिंग यू द रजिस्ट्रेशन डिटेल, इधर योर लॉगिन आईडी पासवर्ड, और दे विल टेल यू हाउ टू रजिस्टर फॉर दैट। सो इन केस यू वांट टू पार्टिसिपेट प्लीज डू दैट। इफ यू ऑलरेडी अ सीट टेकिंग स्टूडेंट देन यू डोंट नीड टू सेंड अ मैसेज टू एनीवन, बिकॉज आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आपको ऑलरेडी उसमें मैं आपको ग्रुप में डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा। ठीक है, सो इज द ऑल इंडिया मॉक विच यू शुड पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट आपको नहीं भी करना तो एटलीस्ट आप रजिस्टर कर दो, उस दिन कोई गड़बड़ हो गया नहीं आ पाए बात की बात है, दैट इज अ फ्री मॉक एनी वे, बट दिस विल एक्ट एज अ माइलस्टोन। आई वॉन्ट दिस मॉक टू बी आई ओपनर कि बॉस मार्च 9 आ गया है और मेरा स्कोर अभी 250 आ रहा है या 200 आ रहा है या 300 आ रहा है, अभी मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। यू नो 50% ऑफ योर प्रिपरेशन, यस 50% ऑफ योर प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन लास्ट 1 मंथ का प्रिपरेशन। ये जब आंखें खुलेंगी ना 9 मार्च को, वो तो अभी खुल चुकी है वैसे काफी लोग का डेट आने के बाद, बट अभी फॉर्म भरने में टाइम है, ये सब चीजें हैं, तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, सो लेट्स क्रैक दिस सीमेट एग्जाम, बिकॉज ट्रस्ट मी यार, जो लोग का ये अभी ये साल सीमेट देने वाले हैं इनके लिए मोस्ट ऑफ यू हैव अ डू ऑर डाई। सीमेट का एग्जाम वही देता है जिसके लिए डू ऑर डाई होता है। ठीक है, सो लेट्स स्कोर वेल सो दैट वी कैन टारगेट द टॉप 10 बी स्कूल्स विच आर देयर वाया सीमेट। ऑल द बेस्ट।